अलकुम मेट्रिक्स मीडिया की इस कॉन्वर्सेशन में टुडे वी हैव विद अस हक, इक्रामक ट्रेनर एंड रिसर्चर एंड ही सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन हमारी कॉन्वर्सेशन विल टर्न इनटू अ सीरीज एंड एपिसोड्स इन फ्यूचर फीचरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड फेसेस ऑफ़ सोसाइटी आज हम उनके साथ बात करेंगे रिगार्डिंग यूथ एंड आइडेंटिटी क्राइसिस Um, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके इतने मसरूफ uh, स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर एंड इट्स रियली लाइक इनकारीजिंग फॉर मी कि पीपल आस्क मी कि आई शुड कम एंड टॉक ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड यू सी इट इज़ अल्टीमेट एंड ऑक्सीजन फॉर अ पर्सन लाइक मी वेन ही फाइंड्स अ प्लेटफॉर्म ऑलवेज इज गोइंग इन टू एवरीथिंग मुझसे कुछ पूछ लो मैं कुछ बताना चाहता हूँ तो मेरा जो कनेक्शन है वह बच्चों के साथ यूथ के साथ बहुत ज़्यादा है वेन एवर आई मूव इन टू अ ट्रेनिंग रूम और अ क्लास रूम आई सी दोज थर्टी फेसेज एंड दो आर लुकिंग एट मी एंड दे आर वाडरिंग वट आई एम गोइंग टू टेल दैम बट सच्ची बात मैं आपको ये बताऊँ कि मैं उनसे कुछ सीखने जाता हूँ मैं ये देखने जाता हूं कि ये वाली जनरेशन ये वाले बच्चे ये नई चीजें मुझे क्या सिखाएंगे और मुझे करेक्ट करेंगे एंड आई लर्न अलॉट फ्रॉम दम जो चीज अभी हमें एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा हमारे दिमाग के अंदर वो ये है कि हु वी आर एंड वे वी स्टैंड हाउ वी अंडरस्टैंड आर सेल्फ नोइंग आर सेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी हैव टू हैव इन आर लाइफ स यू नो योर सेल्फ यू नो योर पोटेंशियल यू नो योर एन्वायरमेंट आप अपने आप को संभाल सकते हैं आप अपने आप का रास्ता सीधा कर सकते हैं अगर आपको रास्ता मिल गया तो फिर कोई भी डेस्टिनेशन आपकी डेस्टिनेशन होगी एक क्वेश्चन जो बार बार कहीं पे भी किसी से भी पूछा जाए और आप सवाल उठाएं कि आप हैं कौन, तो काफी खामोशी होती है शुरू में उस खामोशी में से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं कि यहां पर जो सबसे बड़ा मसला है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का है लिहाजा इस सिलसिले के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे आज सिर्फ हम एक बात करेंगे वो है पर्सनैलिटी की कि पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस का रिलेशनशिप क्या है फिर हम देखेंगे हमारा एनवायरमेंट के साथ इसका को क्या है फिर हम ये देखेंगे कि हमारे दिमाग में बहुत सारी फिक्शन चल रही है हमने उस फिक्शन में अपने आप को प्लेस कर रखा है कि हम फैक्ट फाइंडिंग की तरफ जाते हैं और डरते हैं और फिर वापस फिक्शन में आ जाते हैं यहां से आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट होता है कि पर्सनैलिटीज़ वन आर टू मच कन्फ्यूज इन फिक्शन और फिक्शन एक तो हमने खुद क्रिएट की है एक कुछ हमारे पास लेट्स से सोशल मीडिया से भी आ गई है हमारे पास लेट्स से के हमारे फ्रेंड्स की डिस्कशन से भी आ गई है हमारे पास अपने जिसको हम कहते हैं ना मी इन माई टाइम वो जो मी एंड माई टाइम है ना दैट मी एंड माई टाइम हैज मेक यू लॉस्ट इन अ पर्टिकुलर फिक्शन uh, हमें इस फिक्शन से निकल के फैक्ट चेक में आना है जब हम फैक्ट चेक में आएंगे तो हमें सबसे पहले कौन मिलेगा अपना आप जब आप अपना आप ढूंढ लेंगे तो आपको लगेगा दुनिया आपकी है वरना फिक्शन में बनाई हुई दुनिया किसी और की है एंड देन यू आर एन एक्टर देयर और उस एक्टर के साथ भी जो कुछ होता है वो बहुत ही बुरा होता है जब आप खुद असली दुनिया में आ जाते हैं तो देन यू आर इन कंट्रोल ऑफ द एंटायर स्क्रिप्ट आप कहते हो कि ये स्क्रिप्ट तो मैंने खुद लिखा है इसका मैं कंट्रोल करूंगा, इसको मैं चलाऊंगा। तो आइडेंटिटी क्राइसिस के पीछे अगर मैं पाकिस्तान से बात करूं या पाकिस्तानी इन्वामेंट से बात करूं, तो यहाँ पे बहुत सारी फ़िक्शंस स्टोरियाँ वो चाहे सेकटेरियन है, चाहे वो आपके पास एथनिक हैं चाहे वो आपके पास लेट्स से के सुपीरियरिटी ऑफ सम रेस है वो उसकी भी फिक्शन क्रिएट की गई तो मैं हर बच्चे को हर यूथ को ये कहता होता हूँ कि यार सबसे पहले बैठ के ना हम फैक्ट्स के ऊपर वापस आते हैं वट आर द फिक्शंस दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड इन योर माइंड अगर यू आर टू मच कैप्चर्ड बाय द फिक्शन तो वट विल हैपन वो फिक्शन अपनी स्टोरी खुद लिखेगा एंड यू विल बी ड्रैगड एज एन एक्टर वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी नहीं होती उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी होती है जो उस फिक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है और आप उसका एक एवटार है सर आपकी भी एक ट्रांजेक्शन हुई फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिशल टू अ ट्रेनर रिसर्चर हाउ दैट हैपन चार भाइयों में सबसे छोटा भाई और एयरफोर्स फैमिली के बैकग्राउंड से अम्मा ने कहा कि जी एयरफोर्स में नहीं जाने देना तो अम्मा की बात मान ली एंड प्रिपेयर्ड फॉर द कंपिटेटिव एग्जाम और पिंडी के गॉर्डन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वहाँ से पता लगा कि जनाब आपने ये इंग्लिश में प्रेसी लिखनी है ऐसे लिखना है और पहली दफ़ा में पास हो गए द मोमेंट आई एंटरटेन टू द गवर्नमेंट जो बात मेरे दिमाग में इको हो रही थी वो माँ की ट्रेनिंग से थी कि बेटा यू आर गोइंग टू सर्व दाइक अ सर्विस मैन फिफ्टीन ईयर्स यू आई स्पेंड इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ वेरियस प्रोजेक्ट्स के साथ फिफ्टीन ईयर्स And I always considered myself as a serviceman of my country. One day I said saturation exists. Saturation hoti hai ki, you find all the books that were there in my rack or at home. I said the government sector ki hai, complete. Ho now I should explore myself more. Reality check. You see, I just skipped the job and I start fresh into the life and I said, let's move on and see what potentials I carry. वहां पता लगा कि जब आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालते हैं तो आपको एक और बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल मिलता है और उसमें आप और फ्लरिश होते हैं सो इन दैट ट्रांजिशन आई फाउंड माई सेल्फ सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नोइंग माई सेल्फ नोइंग माई पोटेंशियल नोइंग माई वीकनेसेस एंड हाउ टू पुट माई थिंग्स अ राइट तो ट्रेनिंग्स एजुकेशन इन अ बुक दिस इज समथिंग आई थिंक आई वॉज मेड फॉर एंड अल्लाह सुबहान पुट मी इन दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क Most of the people don't realize that when you meet different kinds of people, especially in universities, there's diversity, there's ethnic diversity, religious diversity. Hum hai, we don't realize that our diversity kis se it can contribute to our journey. You see, you said it very Diversity is a force behind every growth. Americans build the Americans on the basis of the diversity. We have diversity ko as a minority और मेजॉरिटी इशू लिया अस वर्सेस देम वाला इशू लिया है सो so, ये एनमोसिटी के फ्रेमवर्क के अंदर से दिस दिस इज इज लाइक रोडिंग लग रहा है हमने डाइवर्सिटी की कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया हमने डाइवर्सिटी को एज अस वर्स इज देम लिया है और जिसके थ्रू वट वी हैव बिन वी हैव बिन इंक्रीजिंग द नंबर इन ऑर्डर टू काउंटर दी अदर्स नॉट क्रिएट अ अजी एक वर्ड मैनेजमेंट में यूज होता है साइनर्जी टू प्लस टू इज इव डाइवर्सिफाइड लोग हमेशा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ डन फॉर द अमेरिकन विच इज़ डन फॉर द एनी अदर यूरोपियन कॉन्टिनेंट विच इज डन इवन फॉर द लाइक आपके पास यू ए ई एन मिडल ईस्ट हैव डेवलप्ड ऑन डाइवर्सिफाइड माइंड सेट्स ऑन डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स वेयर एज वॉट वी डू वैन वी गो इन टू अ डाइवर्सिफाइड इक्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट अस दैम हमारे नंबर ज़्यादा हैं वो कम है हमें पावर ज्यादा ले लेनी चाहिए वी शुड बी इन कंट्रोल एंड वी विल स्नॉप दम वी विल पुट दम डाउन यहां पे आके ये बहुत बड़ी खराबी हुई है और वो क्लासरूम से स्टार्ट हो रही है वो इवन लेक्चर से स्टार्ट हो रही है वो इवन टीचर के माइंडसेट से भी स्टार्ट हो रही है वो इवन राइटअप एक बुक से भी स्टार्ट हो रही है एक बुक ने अपना डिस्कोर्स लिखा ही सिर्फ इस बारे में है कि डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारा जो कबीला है वो बाकियों से अच्छा है बाकियों से बेहतर है हम नीट हैं बाकी नीट नहीं है दिस इज फॉलिंग अस डाइवर्सिटी का मतलब था कंबाइन एफर्ट कंबाइन एनर्जी डाइवर्सिटी का मतलब है मेरे पास चार स्किल्स कुछ और हैं बाकियों के पास चार स्किल्स कुछ और हैं इनको मिला मिला के आठ स्किल्स जबकि आपने कहा कि हमारी चार स्किल्स उनसे बेहतर है उनकी चार स्किल्स किसी काम की नहीं है हम सिर्फ चार स्किल के भी फोकस करेंगे उस डाइवर्सिटी ने फिर वो जो हमारे पास वॉट फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ द वुमेन फोक हमने उनको यूटिलाइज भी नहीं किया हमने उनको भी कहा कि यू आर नॉट गुड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब वेयर एज अ डाइवर्सिफाइड सोसाइटी ऑन अ जेंडर डिवाइड ऑन अ एथनिसिटी डिवाइड ऑन अ सेकटेरियन डिवाइड ऑन अ रीजनल डिवाइड ऑन अ लिंग्विस्टिक डिवाइड इट वॉज सच अ गुड ब्लैंड कि जिसकी बेसिस पे ऊपर वी कुड हैव डन इन 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 लीगल एस्पेक्ट्स

फ आई स्टार्ट कंपीटिंग विद साम्बर और मैं कहूंगी जना मुझे इतना भागना है तो वो आई एग्जॉस्ट माई सेल्फ आई बर्न माई कैलोरीज इन नो टाइम आई विल बी नो वेयर नेक्स्ट डे शायद मुझे आने का शौक भी ना हो क्योंकि वो रेस मैं जीतना चाहता था और मैंने किसी को डाउन दिखाया और नेक्स्ट टाइम कौन आएगा मेरे दिमाग में वो ही चलेगा वेयर एस डाइवर्सिटी कमर्शियल टर्म्स में आपको ये बताऊँ अगर आप ये गूगल कंपनी को देख लें या माइक्रोसॉफ्ट को देख लें आप एप्पल को देख लें मैक्टोनल्स को देख लें यू टेक टॉक अबाउट एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स हैज़ क्रिएटेड एन आइडियाज विच लेड लेडम टू अन्स ग्रोथ हमारी पार्लियामेंट से लेके हमारे नीचे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स तक उससे नीचे सोशल स्ट्रक्चर तक एजुकेशन स्ट्रक्चर तक डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड एज अ राइवलरी एंड दैट ब्लड थर्स्टी राइवलरी इज रोडिंग अस जंग लग गया है उसके नीचे से बिल्कुल जंग लग गया एंड सर एक दीमिया का क्या रोल है इन एक्सेप्टी और हमारी सोसाइटी में देर आर डिफरेंट पैराडाइम्स डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स लेकिन हम उन माइंड सेट्स को बिलीव सिस्टम्स को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते वो भी तो डाइवर्सिटी ऑफ थाट्स है आपने खुद ही उस पर वर्ड देख दिया जिसके लिए दिल चाहिए जिसके लिए वो सोल चाहिए कि दूसरे की बात को एक्सेप्ट किया जा सके एकेडेमिया में मसला ये हुआ कि हमने कहा कि चूंकि इट्स अ जॉब वेयर एज इट वाज नॉट अ जॉब इट इट्स मोर देन ऑफ अ प्रॉफिटिक आपके पास एक कनेक्शन विद द पीपल अ टीचर एंड अ स्टूडेंट रिसर्च आप लोगों को करने देंगे जब फ्रीली तो वहां से आपको लगेगा कि यू गॉट मोर आइडियाज जब आप पिन पॉइंट कर देंगे कि हमने बस इसी दो एरियाज़ के ऊपर बात करनी है इसके आगे नहीं बात करनी क्योंकि नो गो एरियाज़ हैं जब हम अपने नो गो एरियाज़ को रिसर्च में से ख़त्म कर देंगे तो वी विल बी फाइंडिंग द न्यू वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड आप ही के पास एग्जिस्ट करता है लाइक आई वॉज सिटिंग विद द प्लानिंग कमीशन वहाँ पे एस जी डीज के ऊपर और मिलेनियम गोल्स के ऊपर डिस्कशन हो रही थी तो मैंने वहाँ पे कहा था कि इस्लामाबाद इज सच अ ब्यूटिफुल टेरिटरी कि जिसका ग्रीन एरिया इतना ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्यों नहीं फ्लावर्स एंड हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रो करते हैं विच इज इन बिलियन फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन और इसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक बी एस सी का रिसर्च दे दीजिए कि आपने अपने सेक्टर्स को और आपने अपने बच्चों को कहना है कि इसका सॉइल सैंपल लेके इसका क्लाइमेट के चेंजेस को लेके आप बताएं कि इसके अंदर कौन कौन से लीवस एंड कौन कौन से हर्ब्स एंड शर्ब ग सकते हैं विच कैन है कमर्शियल मार्केट नहीं रीजन बींगी एज टू है यूनिट

स्टूडेंट्स प्रोवाइड करे कि इनका बी उस वक्त क्लियर होनी है जब आपने ये प्रोजेक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया लाइक like, रिसाइकिलिंग के इतने बेबहा काम है रिसाइकिलिंग डजेंट मीन कि एक चीज को उठा के स्मैश करके चेंज कर दे रिसाइकिलिंग इंटीरियर डेकोर में यूज हो रही है रीसाइकिलिंग कैन बी यूज इन टर्म्स ऑफ योर लाइक आपके पास जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आप चले जाएं तो आपको लग रहा होता है कि सिर्फ वो एक बेसिक चीजें बनाने से है हमने उसमें कंटेम्प्रेरी टच नहीं दी रीजन भी कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको रिसाइकल करके आ स्टूडेंट्स टू कम अप विद द न्यू प्रोजेक्ट्स हमेशा से कहा गया कि वन मैन स्ट्रैश इज एन अन मैन स्ट्राइर इस स्ट्रैश को कन्वर्ट करने के लिए वो थीसिस तो दीजिए कोई रिसर्च तो दीजिए वही घिसी पिटी अगर रिसर्च होती रहेगी अगर बुकिश ही करनी है उसको सिर्फ आपने बिब्लियोग्राफी ही बनानी है वर्ड काउंट में बनाना है तो एम एस वर्ड टाइप आपके पास एक डॉक्यूमेंट मिलेगा इंस्टीट्यूशन practical से, से फिर वापस आपके पास सोशल लाइफ के अंदर थैंक यू सर दिस वॉज एन लाइटनिंग कॉन्वर्सेशन और एक जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा दैट इज uh, हमारे पास एक लेड आउट फॉर्मैट या ब्लू प्रिंट होता है ऑफ लाइफ विच सोसाइटी प्रोवाइड और uh, यहीं हम देखते हैं हमारे चाहे घर में चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और डू यू थिंक दिस हैज दिस प्लेज अ रोल इन आइडेंटिटी क्राइसिस इन यूथ यस इट डज़ ने जो कहा है वो आप हो वो चाहे अम्मा अब कह रहे हैं जो फैमिली कह रही है या आपकी सोसाइटी कह रही है लेकिन नहीं आपकी अपनी एक यूनिकनेस है आपकी अपनी एक अपनी एक से है तो वो से स्नप हो जाती है वो आपका अपना नेस खत्म हो जाता है अपना नेस मैंने वर्ड यूज किया नया निकाल लीजिए बेशक तो आपकी वो जो अपनी अप, अपनाइयत है ना वो अगर आपको कहा जा रहा है ना ये प्लांट जो है वी आर गोइंग टू पोर्टेट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल वो अपनी नेचर को बरकरार नहीं रख पाएगा तो आपको यह करना है कि यू हैव टू फ्लरिश इन योर सोल एंड माइंड वो सोल एंड माइंड की फ्रीडम जरूरी है उसके लिए आपको प्लेसेस चाहिए उसके लिए आई आई नो वन ऑफ द टीचर्स फ्राम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज जिसका मैं भी हिस्सा रहा फिर मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ कि आप गोलरा रेलवे स्टेशन पे जाएं और उसके बरगद के ड्रग के नीचे बैठ के एक बुक रीडिंग करें एंड वी हैव गॉट दिस अ बुक रीडिंग शॉर्ट ऑफ अ क्लब वो बुक रीडिंग कोई भी कुछ भी कर सकता है एंड यू लिसन टू दैट पर्सन और फिर बंदा सोचता आपने ये बुक क्यों अब आपने देखा होगा कि हम लोगों को कहते हैं इसका बुक रिव्यू करके लाओ वो बुक रिव्यू उसके मुताबिक हो रहा है आपके मुताबिक नहीं हो रहा है। जब आपने कहा है ना अपनी पसंद की किताब हमारे सामने पढ़ो उसके दोस्त समझ पढ़ो और अच्छा क्या बात हुई है फिर वो जैन आप है सो so, आपके के अंदर अगर आप कैप्सूल्स के अंदर हैं तो वो कैप्सूल ही आप बनेंगे आप आप नहीं रहेंगे थैंक यू आज हमारे साथ हक थे जिनने हमारे साथ बात की आइडेंटिटी क्राइसिस पे हैव सीरीज ऑफ विद हिम In future, next week, say. Uh, I hope you like this conversation. Please like and subscribe to Matrix Media. Thank you.